चलो, ये हमारे संगवारी सर्विस सेंटर पाखर गांव में। अरे वाह, यहाँ सेकंड कंप्यूटर है, प्रिंटर, फोटोकॉपी, फोटो निकलवाना हो, सब कुछ सुविधा है यहाँ पे। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाओ घंटे को ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिले। हाँ हे एवरीवन, दिस इज विनय, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो, आज एक दोस्त के यहाँ फिर से जाना था, लहलुंगा, जो कि लहलुंगा नहीं जाएंगे, लहलुंगा से गुजरते हुए पाखर गांव जाना है। जो कि बहुत लोग को पता होगा, तोलमा मेरा गांव था, तो फिलहाल पाखर गांव जाना है। तोलमा 2 तारीख को जाना है, 2 अक्टूबर को जाना है तोलमा। वहाँ पे कुछ होता है, वहाँ कर्मा होता है, रात को डांस प्रोग्राम होता है, 2 तारीख को गांधी जयंती होता है, 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाया जाता है वहाँ पे। तो फिलहाल वहाँ लेके चलेंगे फिलहाल ये तो इनको। आपको, आप जाओगे? आपको तोलमा वाले बहुत याद करते हैं, आपको जानते नहीं हैं लेकिन आपको याद करते हैं। पता, मतलब ना, मेरा बचपन पूरा बीता है तोलमा गांव में, है ना? तो वहाँ पे ना आपको देखना चाहते हैं सब कोई, विनय की भाई। क्योंकि देखो, मेरा पूरा बचपन बीता है, कितने साल, 8th क्लास तक, जब से हम पैदा हुए थे ना, हैं? उसके बाद में ना मैं, हम लोग वहीं पे थे। पापा का जॉब था तोलमा गांव में, एज अ डॉक्टर गांव में, ठीक है? तो वहाँ पे हम थे, बचपन पूरा बीता है। हम वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में 1ली से 5वीं तक, फिर 6वीं से 8वीं तक हम चले गए थे बैरडी, बैरडी पढ़ने के लिए। उसके बाद हम आ गए बिछिनारा, ये घर नहीं था पहले, उसके बाद ये घर बना बिछिनारा गाँव में, यहाँ पे बड़े पापा रहते थे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से हम जाने लग गए रायगढ़ पढ़ने के लिए। रायगढ़ में मेरा रामबाठा में पढ़ाई हो रहा था, रामपाड़ा स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हॉस्टल में थे 4 साल, रो रो के बिताए हैं, ऐसा थोड़ी। 9th 10th 11th 12th। हाँ, 9th 10th 11th 12th, 4 साल हॉस्टल में थे, तो यहीं से आना जाना होता था। तो इसलिए तोलमा गांव मेरे बचपन का गांव है, सारे लोग जानते हैं पापा की वजह से। तो बहुत प्यार है वहाँ भी, बहुत मिलता है प्यार वहाँ जाने से, मतलब एकदम प्यारे बच्चे, प्यारे। तो बोल रहे थे कि विनय कब आएगा तोलमा, कब आओगे तोलमा, अपनी वाइफ को भी लेके आना, इनको भी देखना है, क्योंकि ये कभी नहीं गया ना। हाँ, वहाँ पे सब के सब ना क्या बोलेंगे, दादा दादी ऐसे लगते हैं, दादी आजी, दादी आजी ऐसे लगते हैं वहाँ पे सारे के सारे लोग। तो हो सके तो इनको भी लेके जाएंगे। फिलहाल आज चल रहे हैं पाखर गाँव, उससे पहले पढ़ते हैं ना पाखर गाँव। हाँ, एक दोस्त से मिल के आते हैं, उसके बाद में 2 तारीख को हो सके तो इनको भी लेके जाएंगे। तो अकेले में जा रहा हूँ, दिखाते हैं अपने बचपन का गाँव, वहाँ का क्रेज, वहाँ के दोस्त यार, जो कि बचपन वाले हैं ना, सब कोई बहुत, मतलब साल में एक बार मिलते हैं हम लोग, साल में, आजकल आजकल कभी कभार जाना नहीं छो पा रहे जाना, बाकी साल में एक बार तो मिलते हैं। चलो दिखाते हैं दृश्य में, आज नहीं, 2 तारीख। तो चलो सीधा लहलुंगा पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल ये लहलुंगा का चौक है, लेफ्ट में जाते हैं पथल गांव और राइट में हम लोग को जाना है पाखर गांव, जो कि तोलमा मेरा बचपन का गांव राइट साइड में पड़ता है। तो चलो, ये वाला रास्ता है राइट साइड वाला, जिसको सेठ बंसीधर मार्ग बोलते हैं। इस गली में आप जा सकते हो, एक और रास्ता भी है जो कि आप आओगे तो पता चल जाएगा। बाकी यहाँ से अगर चौक आते हो लालूंगा, तो यहाँ से आराम से घुसते हुए इस गली में जाके सीधा यहाँ से पहले निकालेगा पाकर गांव, उसके बाद में मुगडेगा उधर, और कुछ कुछ आता है बहुत सारा गांव। तो देखो, आपको पहचान रही है आपके फैन लोग। रिएक्शन दो ना, पहचान रही है आपको। यहाँ से पहुँचते हुए आप पहुँच जाओगे तोलमा, जो कि कम से कम 25 किलोमीटर तो हो जाएगा, मतलब यहाँ से 25 किलोमीटर तो हो जाएगा आराम से। लेकिन हम लोग को वहाँ तक नहीं जाना है, हमें सबसे पहला वाला गांव पाकर गांव जाना है, जहाँ दोस्त लोग रहते हैं, उससे चलो मिल के आते हैं। यहाँ से जाना पड़ता है, अच्छा जी, आज पता चला। तो ये हमारे दोस्त घर साथ देते हैं घर को भी सारा। चलो फिलहाल हमारे दोस्त नार्थ के घर पहुंच चुके हैं, मिलते हैं अपने दोस्तों से भी, बहुत कितने सालों से नहीं मिले हमारे नारद। हाय, बहुत दिन बाद, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना, और घर से मिलाते हैं प्रमोद, उनके घर चलते हैं। चलो, तो नारद के घर से थोड़ा सा आगे आओगे तो प्रमोद का दुकान, संगवारी सर्विस सेंटर, यहाँ बैठता है अपना दोस्त, घर भी है उसका, ये घर है। चलो, ये हमारे संगवारी सर्विस सेंटर पाखर गाँव में, मिलते हैं। कैसे का आता है, आता है, स्वागत है। चलो, ए भाई से क्या अपनी दुकान के बारे में, रायगढ़ जिला के यूट्यूबर का था नहीं, थोड़े बहुत जानदार थे क्या, थोड़े बहुत लोग जानते हैं, आप क्या बोलोगे, बहुत पहले से थोड़ा थोड़ा मेहनत करते करते आ रहे हैं। तो फिर तो इधर क्या है, तो
अच्छा, और कुछ बेचते हो क्या? अरे अरे वाह, यहाँ सेकंड कंप्यूटर है, प्रिंटर, फोटोकॉपी, फ़ोटो निकलवाना हो सब कुछ सुविधा है यहाँ पे। ये देखो, ये क्या है? तकिया, ये भी बिकता है? उसमें फ़ोटो डलवा सकते हैं ना? अरे वाह, यहाँ पे स्पीकर, एक कप वगैरह भी है। ये डिब्बे में क्या है भाई? यहाँ भी बहुत कुछ मिलता है, पकड़ गाँव में आपको थोड़ा बहुत अवेलेबल है। हमारे दोस्त की दुकान में यहाँ पे अपना फ़ोटो डलवा सकते हो। ये तकिया आता है, मेरे पास नहीं है, मेरे ससुराल में है एक ठो, जो कि बिक रहा था दुकान में। पता है, मतलब मेरा ना, मेरा और जासमिन का, दोनों का ना फोटो वाला ऐसे तकिया बिक रहा था दुकान में, मेले में। तो मेरे ससुर जी देखे, बोले कि अरे ये तो मेरे ही बेटे लोग हैं, करके फिर हाँ रखे हैं तो तकिया बना के रखे। तो मेरा फोटो पता नहीं कौन निकाला, नहीं पता मेरा और हाँ आप लोग की भाभी का फोटो ना, दोनों फ्रेम करके एक वीडियो में दिखाया था, उसमें डाले हैं। नहीं नहीं, हम भी बना के दे सकते हैं, गिफ्ट कर दो यार, गिफ्ट कर दो, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, फोटो भेज देंगे अपने पसंद का, है ना, निकाल के दे देना हमें। तो यहाँ प्रमोद के यहाँ पे मिल गया खीर खाने को, हमारे लिए बनाया गया था स्पेशल, धन्यवाद का बाबा, डबल मीठा। यहाँ पे बंदी अपना खीर, आधार कार्ड निकालना था यहाँ पे, जो कि निकल गया है हमारे नारद बाबा का। प्रमोद की दुकान में ये सभी बनवा सकते हो, आधार कार्ड अभी जल्दी से निकल गया तुरंत, अगर खो गया है आपका आधार कार्ड तो भी यहाँ पे आके निकलवा सकते हो। जैसे ये निकल गया है इनका आधार कार्ड तुरंत, यहाँ पे 10 मिनट में आधार कार्ड। यहाँ पे लोक सेवा केंद्र वाला बहुत सारा काम चलता है यहाँ पे प्रमोद का, तो बताओ क्या क्या बनाते हैं प्रमोद? बहुत से काम है यार लोक सेवा केंद्र जो चलता है, उसी का ब्रांच है हम लोगों का, हम लोगों का नाम है संगवारी सर्विस सेंटर, और यहाँ लोक सेवा संबंधित कार्य, ग्राहक सेवा संबंधित कार्य, कंप्यूटर से जो भी रिलेटेड कार्य रहता है, प्रिंटिंग है, फोटो, पासपोर्ट फोटो रहता है, एडिटिंग रहता है, फोटो फ्रेमिंग रहता है, यहाँ तक कि हम गिफ्ट प्रिंटिंग तक करते हैं, जैसे तकिया में फोटो डलवा सकते हैं ना, हाँ, फोटो डलवा फोटो का डलाते हैं, बाद में आपको सैंपल भी दिखा देंगे, फ्रेम फ्रेम कैसा रहता है, जैसा कुछ फोटो है, जैसा अपना ऐसा बड़ा साइज में ये निकलवा सकते हैं ना, हाँ फोटो भी निकलता है ना यहाँ पे, फोटो तो सारा पासपोर्ट फोटो तो मिलता ही है, निकल सकता है तो निकल जाता है। ऐसा बहुत से काम है, कब प्रिंटिंग, ऐसा कब वो जो भी रहता है प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। उसके सबसे मेन चीज़ तो है यहाँ हमारे लेलुंगा वासियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। इसके लिए बच्चे लोग भटकते रहते हैं, तहसील के चक्कर लगाते हैं, कोई पढ़ भी नहीं पाता है, लेकिन हम लोगों के पास आएंगे, हम उनका काम पूरा आसान करते हैं, केवल उनको बस ये है कि अपना प्रतिवेदन पटवारी से भरना, उसके बाद सारी जवाबदारी हमारी हम बना देते हैं, सारा काम यहाँ पे हो जाता है ना, सारा काम यहाँ पे हो जाता है, और पूरा जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट मिस्टेक रहता है तो उसके लिए उनकी सपोर्ट की जरूरत होगी, जो आवेदक होगा, बाकी सब हम करके देंगे। उसके साथ बहुत से योजनाएं रहती है गवर्नमेंट की, है हमारे अभी नोनी सशक्तिकरण योजना लाए हैं हमारे कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी ने, तो उन्होंने इसके लिए एक श्रम विभाग में पंजीयन की आवश्यकता होती है, वो पंजीयन हम लोग कर सकते हैं, जिसको बाहर में करवाने के लिए 500-600 फीस लेते हैं, दलाल लोग गांव-गांव घूमते रहते हैं, बनता है नहीं बनता है कोई कन्फर्म नहीं, हम गारंटी देते हैं पंजीयन कर। अब उस पंजीयन के तहत आप कई ठो शासकीय योजनाओं का, यहाँ तक कि राशन कार्ड, जो गरीबी रेखा राशन कार्ड रहता है उसके लिए क्या बोलते हैं योग्यता होना चाहिए, प्रमाण पत्र गरीबी रेखा में प्रस्तुत है, उसके लिए अगर श्रम विभाग में पंजीकृत हैं आप तो वो राशन कार्ड भी आपको जारी किया जाता है, उसके लिए श्रम विभाग में पंजीयन आवश्यक है, वो श्रम विभाग का पंजीयन हमारे पास होता है, वो भी हम एक दिन में करके देंगे, कोई उसमें कुछ झंझट नहीं है, उसमें दो चार डॉक्यूमेंट लगता है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासबुक, फोटो लगता है, राशन कार्ड, ये सब लेके आ सकते हैं हमारे पास, हम आपको श्रम विभाग में पंजीयन करके देंगे।
तो सारे के सारे ले लूंगा कि आसपास में रहने वाले इधर तोलमा वगैरह सारा आ सकते हैं ना। हाँ, सब के सब यहाँ पे कुछ नंबर नंबर भी दिया हुआ है जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हो, कॉल कर सकते हो प्रमोद को। यहाँ पे देवेंद्र का नंबर भी है, तो सारा कुछ यहाँ पे हो जाता है फिलहाल। बाकी सब तो और कुछ बहुत कुछ है, फोटो वोटो निकालना चाहते हैं जितना भी है। और एक चीज है, यहाँ आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान जो रहता है वो भी बनता है, हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता है, 5 लाख तक बीमा रहता है वो भी बनाते हैं, वो भी बनता है। उसके साथ श्रम कार्ड रहता है, आयुष्मान कार्ड है, पासपोर्ट फोटो है, एडिटिंग से ये हम खुद ही आपको बना के दे सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है। हाँ, तो ऐसे कुछ बनवाते हैं ना, मतलब प्रोग्राम में किसी को सर्टिफिकेट देना रहता है तो उसके लिए यहाँ पे आके बनवा सकते हो। सर्टिफिकेट यहाँ पे बनता है जो कि बहुत लोग बनवाते हैं ना ऐसे करके, ताकि लोगों को दे सकते हो किसी अवार्ड जैसे ना देते हैं ऐसे करके, वो सब कर देते हैं, मतलब सब यहाँ पे बन जाता है आसानी से। यहाँ पे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, पाकर गाँव में आके यहाँ पे बनवा सकते हो प्रमोद के पास में, संगवारी सर्विस सेंटर के पास में। आसपास में मतलब जितने शादी कार्ड छपाना चाहते तो आपको ले लूंगा, या फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है ना, सारा का सारा यहाँ पे हो जाता है प्रमोद के यहाँ पे सर्विस सेंटर में आना पाकर गांव में। यहाँ पे शादी कार्ड भी बनता है जो कि जो डिजाइन चाहिए आपको सारा मिल जाएगा। हम लोग छापते जो एक यूनिक रहता है, बहुत कुछ हमारे गुण समाज रहता है, राठिया समाज होता है, बूढ़ा देव ठाकुर देव, जो लिखवाना चाहते हो लिखवा सकते हैं। इस टाइप से कार्ड है, ये इस टाइप से कार्ड आता है, वो सब में हमारे पास उपलब्ध रहता है, हम छाप के दे सकते हैं। जो मार्केट में रेट है 2.5 रुपए 3 रुपए जो रहता सेम है, वैसे भी रेट पड़ता है ना, कोई एक्स्ट्रा नहीं, चार्ज नहीं है। बोलो संगवारी के पास आए तो एक्स्ट्रा की पैसा कुछ नहीं है, शोक पत्र सब छपाई हो जाता है, आमंत्रण पर छठी कार्ड रहता है, तो हर चीज हमारे यहाँ हो जाता है। प्रिंटिंग के कार्ड में भी कुछ कुछ क्या है, डिजिटल वेडिंग कार्ड रहता है, उसको व्हाट्सएप में शेयर करने के लिए उसको भी बनाते हैं ना, उसको भी हम बनाते हैं। हाँ, जैसे बहुत लोग क्या रहते हैं कि दोस्तों को भेजूंगा तो खुद से बनाओगे तो अच्छा नहीं बनता है, नहीं बनता है, तो यहाँ पे आके बनवा सकते हैं, हमसे बनवाएं अच्छा बनेगा, अच्छे से एक तो बना देंगे फिर उसको कॉपी करके भेजते रहे व्हाट्सएप में, है ना, सारा कुछ बन जाएगा यहाँ पे। ऐसा कुछ सिंपल है, हमारे पास आना है आपको, बस सेवा का मौका देना है, करना है। हाँ, बाकी सारा काम हो जाएगा, ज्यादा पैसा चार्ज तो है नहीं, वैसे भी इतना रहता है रेट, वही रेट पड़ेगा। बहुत से कार्य है यार, तो विनय यहाँ एक से जैसे मान लो रोजगार पंजीयन के लिए वहाँ जाना पड़ता है, आप हमारे पास पंजीयन कर ले, आवेदन को भर ले, 3 महीने में जाके साइन करवाते रहे, चलेगा, ऐसे कर सकते हैं, मतलब मैं भी करा सकता हूँ, मेरा बच्चा हुआ ना, नवीनीकरण है आपका, डेट बच्चा है हमारे पास, सही है, मेरा एक्सपायर हो गया डेट, तो कैसे करना है, अगर एक्सपायर नहीं हुए रहता हाँ, तो पहले डेट में बताते हाँ, हम लोग कर देते हाँ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, अगर एक्सपायर हो गया तो जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपायर हो गया है तो जाना पड़ेगा। वैसी बहुत से, मैं तो विशेषकर यही कहूंगा हर व्यक्ति को कि अपना जो 5 एकड़ से कम है गरीब, उनको श्रम विभाग में पंजीयन करा दे, जैसे कोई भी लेबर अगर काम करता है, ये विशेष प्राथमिकता, आयुष्मान कार्ड वो बनवा दे, और पैन कार्ड है हमारे पास, विशेषकर पैन कार्ड भी कैसा है, हम लोग 2 घंटे में बना के देंगे पैन, 2 घंटे में बन जाएगा, बोलो हाँ 2 घंटे में। और क्या सुविधा चाहिए, बोलो पास में है ना, कहीं डे होना चाहिए, अब संडे को बंद नहीं सकता, ऑफिस भी हाँ, संडे को बंद रहता है, बाकी हमारा ऑफिस भी संडे को अधिकतर बंद रहता है ना, बाकी रायगढ़ जाने की झंझट नहीं है हाँ, यहाँ पे बन जाएगा, 2 घंटे में बन जाता है, कोई उसमें कोई डॉक्यूमेंट और सुधारना होगा पैन कार्ड और आधार कार्ड तो सब हो जाएगा, सुधार के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो भी हो जाएगा। बहुत से सेवाएं हैं, हम तो गांव गांव में ये सेवाएं देने की कोशिश भी करते हैं, कभी कभी कुछ कुछ काम के लिए कैंप भी लगाते हैं अपने अगल बगल गांव में, कैंप लगता है, कैंप लगता है, उसमें जाके आप अपना काम करवा सकते हैं आसानी से। जैसे और एक चीज है, मैं भूल जा रहा था, मैं अभी मंडी पंजीयन होगा या कुछ भी लगता है तो नक्शा खसरा B1 लगता है, तो उसको भी उसके लिए तहसील जाके भटकते हैं, उसके लिए भी कोई वो नहीं है, मतलब वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे बन जाएगा, हम निकाल के दे सकते हैं, तो कितना अच्छी बात है, मतलब वहाँ भटकोगे तहसील जाओगे क्या क्या करवाओगे वहाँ, पैसा सब बहुत खर्चा हो जाता है ना हाँ। यहाँ पे आ सकते हैं डायरेक्ट हाँ, बाकी इतना काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर से संबंधित काम जैसे टाइपिंग है, इधर प्रिंटिंग है, वो तो होगा ही, फोटो काफी हो भी जाएगा आसानी से, बहुत कुछ है, कुछ कुछ फॉर्म वॉर्म भी बना लेते हैं, जैसे उसका क्या बोलना चाहिए, कुछ कुछ योजनाओं का फॉर्म भी हमारे पास मिल जाता है, मतलब सारा फॉर्म भी जो भी से कुछ जॉब का निकलता है, वैकेंसी निकलता है तो सारा कुछ भर सकते हैं, बहुत से फॉर्म को हम लोग ना छात्र हित में निःशुल्क में भी डालते हैं, निःशुल्क
बीच में क्या था, कोविड चल रहा था और बीएससी नर्सिंग का फॉर्म हम लोग उसको निःशुल्क में डाले, क्यों ये वो कोविड वॉरियर रहे हैं, मतलब कल के डेट में वो डॉक्टर नर्स ही बनेंगे, तो इसलिए वो फॉर्म को हम लोग निःशुल्क में डाल फ्री में कर रहे थे, फ्री में डाल रहे थे, उसका कोई चार्ज नहीं। तो अच्छी बहुत कुछ, अभी भी कुछ फॉर्म ऐसा है जैसा मतलब फीस तो लगता नहीं है, उस टाइम लगता था फिर भी हम फ्री में देते, अभी कुछ के लिए व्यापम लेता नहीं है फीस, नहीं लेता, फिर भी हम उसको डाल देते हैं प्रिंट के लिए 10-20 रुपए ले लेते हैं, मतलब प्रिंट का तो लगता ही थोड़ा सा चार्ज, हाँ पेपर चार्ज, पेपर चार्ज हम डाल के देंगे तो कुछ निकले, बस पेपर का चार्ज ले लो 5-10 रुपए जो लगता है प्राइस में होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मार्केट में जाएंगे अभी उस फॉर्म के लिए फीस लगेगा नहीं, फिर भी 100 रुपए लेंगे, आराम से लेते हैं 100 रुपए, वो चीज नहीं है हमारे पास, हमारे पास केवल फीस नहीं लगा है, प्रिंट निकल गया तो प्रिंट का रेट दे दो, प्रिंट का रेट दे दो बोलो, है ना, बाकी हमारी सेवा है, हम हमारा नाम है संगवारी सर्विस सेंटर, मतलब संगवारी सेवा के नाम, आपके सेवा के लिए हमेशा हाजिर, सेवा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। बाकी डिटेल को पॉज करके पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें दिख रहा है सारा कुछ, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पंजीयन, आयुष्मान कार्ड, सारा का सारा, बाकी काम तो हमें फोटो कॉपी, फोटो वोटो सब कुछ हो जाता है, हाँ, उसका सारा कुछ आपको वो भी दे देंगे, बैकग्राउंड में डाल दीजिएगा, और नीचे में नंबर भी रहेगा, कुछ कुछ पूछना रहेगा तो क्वेश्चन रहेगा तो नंबर भी, हाँ बाकी वहाँ सामने में नंबर दिख भी रहा है, पॉज करके कॉल कर सकते हो, बाकी तो नीचे में लिंक भी रहेगा नंबर, है ना, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये लेलुंगा एरिया में मतलब पाकर गांव से आसपास में जितना भी गांव है ना, सारे के सारे तो यहीं पे आ सकते हो प्रमोद के संगवारी सेंटर पे, मतलब सारा काम तो होता है यार, कोई भी नहीं छूटा है ना, फोटो वोटो फॉर्म वॉर्म जितना भी आधार कार्ड पैन कार्ड या फिर जो भी वैकेंसी वगैरह रहता है सारा का सारा तो यहाँ पे हो जाता है, तो फिर टोटल उसके लिए यहाँ पे आ सकते हो, कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं, सारा कुछ तो यहाँ पे आराम से हो जाता है। फिलहाल पहले तो क्लासमेट थे, मैं तो अभी जॉब भी लग गए ना, तो जॉब के साथ साथ में करते हैं, इनके पास में जॉब है गवर्नमेंट जॉब, उसके साथ साथ में भी अभी चल रहा है सब काम, है ना, समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा रहता है। इसमें लगवा सकते हैं फोटो निकला गया है ना, कोई सभी इसमें कोई सभी फोटो लगा सकते हैं, जैसे कोई डेथ कर जाता है या उनका भी फोटो या सिंपल सिंपल खुद का भी मतलब निकलवाना चाहते हैं तो निकला सकते हैं, एडिटिंग भी जो बैकग्राउंड चेंज होता है ना वो सब कर देते हैं, सब हम कर देंगे, ये सब फोटो उसका छोटा वाला फ्रेम भी है ना, ऐसा फ्रेम सब रहता है, हाँ इस सब में डाल सकते हैं फोटो को, मैं फोटो सैंपल आपको दिखाऊंगा, जैसा ये देखो ये एडिटिंग है, ये फोटो चेंज किया हुआ है ना बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड चेंज करके इसको हम बड़े साइज में फ्रेम लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं फ्रेम निकाल लगा के दिए हैं उनको, ये सब है, सब सैंपल इसमें कुछ लिखवा सकते हो चाहे कुछ भी, है ना, ये दिखा जतीन दस सुपर स्टार और पूरा स्टाइल इसमें हम अपना पूरा स्टाइल मतलब जैसा डिजाइन बैकग्राउंड में चेंज करवाना चाहते करवा सकते हैं, हाँ। अपना फोटो आता है इसमें अपना फोटो लगवा सकते हो, ये दिल है इसमें फोटो लगवा सकते हैं अपना कपल उपल का, आप अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहते हो वाइफ को देना तो ही निकलवा सकते हो, खुश हो जाएंगे, ये सबसे शानदार चीज गिफ्ट देने के लिए है ना, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो निकला के उसको दे दो, ऐसे है ना, ये दे दो अपनी वाइफ को दे दो, अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दो, है ना, अपन किसी के बर्थडे में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि अपने उसकी याद में, ऐसे बहुत सा ट्रिक है, बहुत सा प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा जो करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं ना, बहुत कुछ यहाँ पे। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और